हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन। आज की इस वीडियो दे विच सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे बारे गल करांगे, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो रहे सारे स्कूलों दे विच, तां सरफेस एरिया वॉल्यूम दे विच कुछ चैप्टर नूं स्टार्ट करदे कि गलां ध्यान रखना उस दे बारे आपां डिस्कस करांगे। देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम इहदे विच की है, सब तो मेन जो चीज है इहनां दे फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज अपने कोल किहड़े किहड़े आ, 8th क्लास दे विच अपने कोल तीन शेप है। पहला क्यूबॉइड, उस तो बाद क्यूब, एंड लास्ट वन इज सिलेंडर। तीन शेप अपने कोल, पहली क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस तरह बनता है, ये अपने कोल एक क्यूबॉइड है। उस तो बाद अपने कोल है क्यूब। क्यूब दीयां सारीयां साइड्स की होंदीयां इक्वल होंदीयां, एंड लास्ट वन इज सिलेंडर। लास्ट अपने कोल की है सिलेंडर, ठीक है। ये चीज अपने कोल की है सिलेंडर। क्यूबॉइड दे अपने कोल तीन फॉर्मूले, पहला CSA। CSA की होंदा अपने कोल 2LH प्लस 2BH। कई टीचर कॉमन कट लेंदे आ 2LH प्लस BH भी कह देंदे आ, या 2HL प्लस B भी कह देंदे। तीनों फॉर्मूले सही है, जो तुहानू याद रहिंदा ओ याद करो, ओके, ओ यूज करो। 2LH प्लस 2BH भी सही है, 2 कॉमन कट के LH प्लस BH ये भी सही है, 2H कॉमन कट के L प्लस B ये फॉर्मूला भी अपने कोल बिल्कुल एग्जैक्ट है। उस तो बाद आ गया TSA। TSA TSA की होएगा अपने कोल 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। इनके विचों भी टीचर मोस्टली कॉमन कट लेंगे, 2 कॉमन आ गया, बाकी की बच गया LH प्लस BH प्लस की आ गया LB है, ठीक है। उस तो बाद आती है वॉल्यूम। वॉल्यूम की होंगी अपने कोल एल बी ते एच। थर्ड फॉर्मूला अपने कोल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला की लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यहां पर यूज करते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। लास्ट फॉर्मूला की है इनका डायगनल फाइंड करने का। डायगनल फाइंड करने का फॉर्मूला की है अपने कोल, डायगनल फाइंड करना फॉर्मूला अंडर रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। मतलब की है इस रूम दे विच सब तो लंबी जब रॉड रखनी है तो केड़ी लेंथ होगी, अंडर रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। ये फॉर्मूले आप यूज करांगे क्यूबॉइड दे विच। क्वेश्चन दे विच अक्सर यह लिखा होंगे फाइंड द सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होंगे, तो उत्थे तुसीं CSA फाइंड करना या TSA फाइंड करना, बच्चे इस चीज कन्फ्यूज रहिंदे आ, तो तुसीं उत्थे की फाइंड करना TSA फाइंड करना, ठीक है। जे सिर्फ सरफेस एरिया लिखे आ गया तो उत्थे की फाइंड करोगे TSA। उस तो बाद कई बार इस तरह आ जाता एक साइड ओपन है, ठीक है, कोई क्यूबॉइड है उनकी एक साइड की है ओपन है, तो उत्थे तुसीं किहड़ा फॉर्मूला यूज करोगे एरिए का 2LH प्लस 2BH प्लस LB, ठीक है। एल बी तुसीं सिंगल कर दोगे, ओके। जे कोई साइड ओपन है, मान लो अपना रूम है, रूम दे विच चार कंधा ते एक छत नूं आपां रंग करवाना है पर फर्श ते रंग करवा नहीं सकते, तो उत्थे आपां इह वाला फॉर्मूला यूज करांगे, ओके। उस तो बाद वारी आउंदी क्यूब दी। क्यूब दे विच अपने जो फॉर्मूले आ, पहला सेम CSA। क्यूब दा CSA की होंदा है 4A² ए अपने कोल की है साइड। उस तो बाद TSA टोटल सरफेस एरिया, ए किन्ना होंदा है क्यूब दा 6A², क्योंकि 6 साइड है, ठीक है, 1 का A² का 6 का कितना आएगा 6A². उस तो बाद आ गया अपने कोल वॉल्यूम। वॉल्यूम की आएगा अपने कोल A³, ठीक है, साइड का क्यूब। तो डायगनल का फॉर्मूला की है अपने कोल, डायगनल दैट इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3, ठीक है, ए अंडर रूट 3 इनका की है डायगनल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उस तो बाद आ गया अपने कोल सिलेंडर। सिलेंडर दे विच अपने कोल की है सिलेंडर, पहला आ गया CSA। CSA की होंदा सिलेंडर दा 2πRH। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच एक लिंक है, उन्हें चेक कर सकते हो तुसीं फॉर्मूले बने कित्थों, ओके। मैं सिर्फ इनका ओवरव्यू दे रहा, फॉर्मूले बनाए किवें, फॉर्मूले बनाउण दा तरीका डिस्क्रिप्शन दे विच लिंक है, उत्थों जाके तुसीं देख सकते हो। उस तो बाद TSA। TSA की होंदा सिलेंडर दा 2πRR प्लस H, ये अपने कोल की है टोटल सरफेस एरिया। लास्ट अपने कोल की है वॉल्यूम। वॉल्यूम की होंगी पाई आर स्केयर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर वाला अपने कोल की है इंपॉर्टेंट चीज है।
उस तो बाद जी मेन चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन दे विच कुछ इंपॉर्टेंट चीजा ध्यान रखनी है पेपर नू करदे समय वह की है एक रिलेशन पहला 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब का बराबर होंगे 1000 लीटर के बराबर या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर 1 मीटर क्यूब का बराबर होंगे 1 किलो लीटर के बराबर भी आ जाता ओके उस तो बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर आ गया 1/1000 लीटर या आप कह सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर ठीक है ये भी आप यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन के यूज करना पै सकता है जिंदे आप कपैसिटी दी होंगी लीटर के सेंटीमीटर क्यूब के इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं ओके उस तो बाद जिहड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब है ये की है 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर के बराबर भी इनू कह सकते हैं यह चीज़ों का खास ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब का बराबर है 1000 लीटर के 1 मीटर क्यूब का बराबर है 1 किलो लीटर के 1 सेंटीमीटर क्यूब का बराबर है 1/1000 लीटर या आप कह सकते हैं जिहड़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर भी होंगे हुण जो फॉर्म क्वेश्चन के अक्सर गलती होंगी है गलती कितने होंगी अपने को क्वेश्चन तो आप सारा सही कर देना मान लो कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है पर टीचर ने अपन 3.5 नंबर देते या 3 देते तो गलती कितने आई पहला था यूज फॉर्मूला यूज नहीं कह सकते राइट फॉर्मूला क्वेश्चन के कुछ ही पाया वॉल्यूम पूछा है उन्हें पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो तुम पहला लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्केयर है उस तो बाद आर ते एच की वैल्यू पुट करके तुसी आंसर फाइंड करोगे एंड एट लास्ट राइट यूनिट आल्सो मान लो रेडियस अपने को 1 मीटर है हाइट अपने को 1 मीटर है ठीक है तो वॉल्यूम कितनी आएगी अपने को वॉल्यूम आ गई पाई मीटर क्यूब या आप कह सकते हैं 22/7 मीटर क्यूब ए वाले यूनिट जरूर लिखने हैं ठीक है जे रेडियस से हाइट सेंटीमीटर दे विच है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे वॉल्यूम नू नहीं तो तुसी मीटर क्यूब लिखोगे ओके एरिया दे विच की लिखोगे या तो सेंटीमीटर स्केयर या मीटर स्केयर ए आपा किहदे विच लिखना है एरिया दे विच ते वॉल्यूम दे विच जां मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है जे MM दे विच है तो MM क्यूब बनेगा या MM स्केयर आ जाएगा ओके यूनिट जरूर लिखने हैं यूनिट वाली गलती नहीं करनी ओके जे यूनिट ना लिखोगे तो हाफ मार्क्स कट्टे जाएगा तो जे फॉर्मूला ना लिखोगे फिर भी हाफ मार्क्स कट्टे जाएगा इसलिए क्वेश्चन दे विच टीचर दे पर चंगा इंप्रेशन पाने लिए फॉर्मूला लिखना है तो एंड दे विच यूनिट जरूर लिखने ओके क्वेश्चन तो सारे कर लेंगे पर इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है अगली वीडियो दे विच एक होर चैप्टर दे कुछ इंपोर्टेंट गल्लां लेके हाजिर होवांगे।